सब्सक्राइब कीजिए गेम ऑफ इनिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए WWE से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉ के एपिसोड के बारे में। क्राउन जूल के बाद ये पहली रॉ का एपिसोड होगा जिसमें सर्वाइवर सीरीज के लिए काफी कुछ दिखने वाला है और इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं देखना ये भी होगा कि डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस के रॉ टैग टीम टाइटल का क्या होता है। तो देखते हैं कि क्या क्या आज के एपिसोड में देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत एक्टिंग जनरल मैनेजर बैरन कॉर्बिन से हुई। बैरन कॉर्बिन कहते हैं, आप सभी का स्वागत है रॉ में, ये सभी सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे लिए हैं। अब सर्वाइवर सीरीज आने वाली है और रॉ स्मैकडाउन के सुपरस्टार आपस में लड़ेंगे। ब्रॉक लेसनर और एजे स्टाइल्स का मैच होगा। रोंडा रोजी की फाइट बैकी लिंच से होगी। वहीं 5-on-5 एलिमिनेशन ट्रेडिशन मैच भी होगा मेंस और वुमेन्स के बीच। शेन मैकमैन ने क्राउन जूल में गलत तरीके से वर्ल्ड कप हासिल करा। मैं वादा करता हूं कि रॉ सर्वाइवर सीरीज में जीतेगा और हमेशा के लिए मैं जनरल मैनेजर बन जाऊंगा। मैं लड़ नहीं सकता लेकिन मैं टीम बना सकता हूँ। सबसे पहले डॉल्फ जिगलर, ड्रू मैकइंटायर, ब्रॉन स्ट्रोमैन। मुझे लगता है कि स्ट्रोमैन मुझसे नाराज हैं लेकिन उसको समझ में आ ही जाएगा कि ये मैंने क्यों किया था। विमेन्स टीम की कैप्टन होंगी अलेक्सा ब्लिस। अलेक्सा ब्लिस की एंट्री होती है और वो बैरन कॉर्बिन को आके थैंक्स कहती हैं और बोलती हैं कि तुमने मुझे एक टीम चुनने के लिए जिम्मेदारी दी है जिसको मैं अच्छे से निभाने वाली हूँ। मैं सभी वुमेन सुपरस्टार को बता दूं कि मैं आप सभी के मैच को करीब से देखने वाली हूँ। सबसे पहले राइट स्क्वाड का मैच नटालिया, साशा बैंक्स और बैली के खिलाफ होगा। तभी एंट्री होती है कर्ट एंगल की। कर्ट एंगल कहते हैं, वर्ल्ड कप में मैच लड़कर मजा आया। पिछली बार सर्वाइवर सीरीज में मुझे मौका मिला था, इस बार भी मैं लड़ना चाहूंगा। कॉर्बिन कहते हैं कि कर्ट एंगल वो लास्ट ईयर था, इस साल मैं डिसीजन लूंगा और मैंने सोच लिया है कि कैसे तो मैं परमानेंट छुट्टी पर भेजना है। कर्ट एंगल कहते हैं, जब मैं इंचार्ज था तो मैं हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहता था और आगे आता था। क्यों ना बैरन कॉर्बिन हम दोनों मैच लड़े और जीतने वाले को सर्वाइवर सीरीज में मौका मिले कैप्टनसी का। तुम सभी को कदम बढ़ाने के लिए बोल रहे हो लेकिन खुद आगे नहीं आ सकते हो। बैरन कॉर्बिन कहते हैं, अगर तुम चाहते हो मैच लड़ना जाए तो ठीक है, हम दोनों मैच लड़ेंगे। अगर जीते तो कैप्टन तुम ही होगे और अगर हारे तो तुम्हें सर्वाइवर सीरीज में केवल टिकट लेके ही एंट्री मिलेगी। अलेक्सा ब्लिस कुछ बोलने वाली होती है लेकिन एंट्री होती है ब्रॉन स्ट्रोमैन की और वो सीधा रिंग की ओर आते हैं। सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को वो बुरी तरह मारते हैं। बैरन कॉर्बिन भाग जाते हैं बट अचानक से पूरे लॉकर रूम के हील सुपरस्टार ने ब्रॉन स्ट्रोमैन पर स्टेज पर अटैक कर दिया। उसके बाद हील सुपरस्टार वर्सेस बेबी फेस वहीं भिड़ गए। कुछ ऐसा ही नजारा स्पेन के लाइव इवेंट में संडे को देखने को मिला था। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन बिना रुके बैक स्टेज गए और वहां बैरन कॉर्बिन को ढूंढने लगे। इसके बाद नटालिया, साशा बैंक्स, बैली वर्सेस राइड स्क्वाड के बीच सर्वाइवर सीरीज के लिए मैच देखने को मिला। वहीं एक तरह से एवोल्यूशन पीपीवी का रीमैच भी था। राइड स्क्वाड ने काफी देर नटालिया पर अटैक करा। नटालिया की तरफ से भी राइड स्क्वाड पे अटैक हुआ। एक टाइम रूबी ने नटालिया के फादर का इस मैच में ऐनक भी तोड़ दिया। इसके बाद हमें जिंदा महल वर्सेज अपोलो क्रूज के बीच मैच दिखा। शुरू में जिंदा महल ने अटैक करा और वापसी करते हुए अपोलो ने जिंदर को खूब मारा और स्टैंडिंग मून सॉल्ट लगाकर मैच जीत लिया। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस का सेगमेंट दिखा। सेथ रॉलिंस ने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल और रॉ टैग टीम टाइटल के साथ एंट्री करी। सेथ कहते हैं कि मैंने सोचा था कि तीन टाइटल और वर्ल्ड कप के साथ वापस आऊंगा लेकिन मैं वर्ल्ड कप जीत नहीं पाया। सभी को लगा था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन यूनिवर्सल टाइटल जीतेंगे लेकिन बैरन कॉर्बिन के कारण ऐसा नहीं हो पाया। रोमन रेंज ने ब्रॉक लेसनर से ये टाइटल जीतने के लिए सब कुछ किया लेकिन फिर से ब्रॉक लेसनर को ये टाइटल दिया गया। ये आप सभी के साथ साथ रोमन रेंज के मुंह पर थप्पड़ है। वाओ, सेथ रॉलिंस भी एग्री हुए इस बात पर जो मैंने कल की एक वीडियो में बोला था और यही टाइटल था मेरी वीडियो का। फैंस और रोमन रेंज के मुंह पर तमाचा। इसके बाद फैंस रोमन रेंस के नाम का चैंट्स कर रहे थे। फिलहाल ब्रॉक लेसनर तो यहाँ नहीं है लेकिन डीन एम्ब्रोस तो यहाँ हैं। पिछले कुछ टाइम से शील्ड टॉप पर थी लेकिन आज कुछ भी नहीं है। मैंने पिछली बार डीन एम्ब्रोस से कुछ सवाल किए थे लेकिन डीन एम्ब्रोस ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं एक बार फिर से डीन एम्ब्रोस से सवाल करता हूं लेकिन मैं आपका समय बेकार नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मैं एक बार में दो टाइटल डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। तभी बड़ी स्क्रीन पर बैरन कॉर्बिन आते हैं और उन्होंने सेथ रॉलिंस का टैग टीम मैच ऑथर ऑफ पेन के साथ रख दिया। इसके बाद हमें ऑथर ऑफ पेन वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। एक तरह से 2-on-1 हैंडीकैप मैच ही था। रॉलिंस यहां अकेले लड़े और ऑथर ऑफ पेन पर कुछ टाइम तो बारी पड़े बट ऑथर ऑफ पेन सेथ रॉलिंस पर हावी हुए और एंड में टाइटल भी उन्होंने ही जीत लिया। ये सबको पता था कि ऐसा होगा। ये मैच एक फॉर्मेलिटी के लिए था ताकि टाइटल ऑथर ऑफ पेन पर जा सके। और फिर डीन एम्ब्रोस आए और उन्होंने कहा कि तुम जानना चाहते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। जवाब तो उन्होंने नहीं दिया लेकिन उसके बदले में उन्हें सेथ रॉलिंस को एक डर्टी डीड जरूर दे दी। इसके बाद हमें डॉल्फ जिगलर का सेगमेंट देखने को मिला। वो आके रिंग में कहते हैं कि मेरे साथ वर्ल्ड कप में जो भी हुआ वो गलत हुआ। शेन मैकमैन कोई बेस्ट नहीं है और आपके सामने बेस्ट खड़ा हुआ है। मैं हमेशा से परफॉर्म करता आ रहा हूँ। वर्ल्ड कप में भी मैं अकेला लड़ा और मैंने जीत दर्ज करी। शेन मैकमैन टूर्नामेंट में से कहीं नहीं थे लेकिन वो फिर भी जीत गए।
इसके बाद अलायस एंट्री मारते हैं गिटार के साथ और स्टेज पर आकर वो गिटार बजाने लग जाते हैं। अलायस कहते हैं कि जिस तरह से आप मेरा नाम ले रहे हैं इसका मैं हकदार हूँ। डॉल्फ जिगलर तुम शांत रहो और मुझे परफॉर्म करने दो। इसके बाद अलायस ने डॉल्फ जिगलर को मैच के लिए चैलेंज कर डाला, जिसके बाद अलायस वर्सेज डॉल्फ जिगलर के बीच मैच दिखा। दोनों के बीच जबरदस्त मैच शुरू हुआ, बारी बारी से दोनों ने एक दूसरे पर हावी हुए और सभी को चौंकाते हुए अलायस ने शानदार जीत डॉल्फ जिगलर पर दर्ज कर ली। इसके बाद हमें रोंडा रोजी का सेगमेंट देखने को मिला। वो आके कहती हैं कि बैकी लिंच ने कहा है कि वो मेरे आम बार को बर्बाद कर देगी, सब तुम्हें पसंद करते हैं, तुमने काफी अच्छा काम किया है, तुम एक चैंप हो, एवोल्यूशन में तुम्हारा प्रदर्शन जबरदस्त था, मैं इज्जत करती हूँ लेकिन तुम किसी की बेइज्जती मत करो, इस बार तुमने मेरी बेइज्जती की है और मुझे हराने के लिए तुम नए एटीट्यूड की जरूरत है, मैं एक बॉन्ड किलर हूँ, सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं और तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या होगा तुम्हारे साथ। तुम अपने आप को मैन बोलती हो तो याद रखो मैं सबसे बुरी वुमेन्स ऑन द प्लेनेट हूँ। नाया जैक्स की एंट्री होती है, इसके बाद वो आके बोलती हैं कि सर्वाइवर सीरीज में रोंडा रोजी तुम अपने लिए नहीं खेलना, रॉ के लिए तुम लड़ोगी, सर्वाइवर सीरीज में जीत कर आना और सर्वाइवर सीरीज के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद शो बैक स्टेज गया, बैरन कॉर्बिन ने कहा कि वो कर्ट एंगल के खिलाफ मैच नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उन्हें बहुत जरूरी काम आ गया है। कर्ट एंगल का मैच उन्होंने ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ रखा। बैरन कॉर्बिन इसके बाद गाड़ी में बैठकर भाग गए, तभी वहां ब्रॉन स्ट्रोमैन पहुंचे लेकिन बैरन कॉर्बिन तब तक जा चुके थे। इसके बाद हमें फिन बैलर वर्सेस बॉबी लैशले के बीच मैच दिखा, दोनों एक दूसरे पर अपने अपने मूव से अटैक कर रहे थे। लियो रश ने भी इस मैच में फिन बैलर को इंटरप्ट करा, बैलर वाकई इस मैच में काफी इफेक्टिव नजर आ रहे थे, बॉबी लैशले भी कम नहीं पड़ रहे थे और जीत एंड में बॉबी लैशले ने दर्ज करी। तभी एंट्री हुई ड्रू मैकइंटायर की, ड्रू मैकइंटायर आके बॉबी लैशले के सामने खड़े हुए बट अचानक से उन्होंने फिन बैलर पर अटैक कर दिया। इसके बाद हमें कर्ट एंगल वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच मैच दिखा, अगर कर्ट एंगल इस मैच को जीतते हैं तो वो सर्वाइवर सीरीज में रॉ के कैप्टन बनेंगे। मैच शुरू हुआ, कर्ट एंगल ने शुरू में हमला करा, जवाबी हमला ड्रू मैकइंटायर की तरफ से भी हुआ, दोनों ने एक दूसरे पर अपने जबरदस्त मूव लगाए, कर्ट एंगल ने अपना लॉक लगाया बट ड्रू मैकइंटायर उससे बचे, बट उसके बाद ड्रू मैकइंटायर के लॉक से कर्ट एंगल नहीं बच पाए और उन्होंने टैप आउट कर दिया। कर्ट एंगल अब रॉ के कैप्टन नहीं होंगे सर्वाइवर सीरीज में। यही रॉ का एपिसोड खत्म हुआ। आज की रॉ काफी बड़ी थी, सेगमेंट भी हमें काफी देखने को मिले, इसी वजह से वीडियो भी काफी बड़ी बनी। आपको कैसा लगा आज रॉ का एपिसोड? वैसे मुझे आज का एपिसोड ठीक ठाक लगा, इतना खास नहीं था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे स्विंग ब्लेड मारकर चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से थैंक यू।